हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन चौका हेवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप काफी पसंद करेंगे। बैगन तो आप सभी ने जरूर खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको जिस ढंग से बैगन बनाना बताऊंगी वो तरीका एकदम अलग होगा। सबसे पहले मैंने गोल आकार के दो बैगन लिए हैं। आप लंबे छोटे जैसे भी बैगन चाहें वैसा आप ले सकते हैं। मैंने इसको धो करके साफ कर लिया। अब मैं बीच में से इसमें कट लगा रही हूँ। जिस तरह से हम बैगन को भूनते हैं ना, बस वैसे ही कट लगाना है। पूरा बैगन हमें नहीं कट करना है और इसका जो ऊपर का डंठल है वो भी हमें नहीं हटाना है। बैगन को हमें ऐसे कट करना है कि ऊपर से लेके नीचे तक थोड़ा सा हमें हिस्सा छोड़ना है, बीच में हमें कट लगाना है। इस तरह से बैगन में कट लगाने से हमें ये भी समझ में आ जाता है, ये भी दिख जाता है कि बैगन में कोई कीड़ा तो नहीं है या बैगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही बैगन में मैंने इसी तरह से कट लगा दिए हैं। मैंने तीन तीन कट लगाए हैं। अब मैंने लिया हुआ है लहसुन की कुछ कलियाँ, जिन्हें मैंने छील लिया है, और अब मैं बैगन में जहाँ हमने कट लगाए हैं उसके अंदर दो दो कलियाँ मैं रख देती हूँ। लहसुन को बैगन में लगा लेने के बाद में अब हम इन्हें भूनेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इन्हें गैस पर ही भूनूंगी। अगर आप चाहें तो इन्हें चूल्हे पर या हीटर में भी भून सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें इसमें ऑयल लगाना होगा। बैगन में भूनने से पहले अगर हम ऑयल लगा लेते हैं तो बैगन बहुत अच्छे से भूनता है और इसमें सोंधापन भी बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों, गैस के ऊपर मैंने एक जाली के स्टैंड को रख लिया है। अब हम उसमें बैगन को रख देते हैं, सेट कर लेते हैं। दोनों ही बैगन में एक बार में ही भून लूँगी, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा। बैगन को 3 से 4 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद देखिए, मैंने इसे पलट लिया है। 3 से 4 मिनट के बाद में बैगन एक तरफ से अच्छे ढंग से पक रहा है, बट ये अभी पूरे ढंग से नहीं पका है। चलिए, तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, दूसरी गैस पर बैगन को भुनने देते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को मैंने गैस पर रख करके गैस को ऑन कर दिया था। अभी मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाला है और घिसा हुआ मैंने इसमें अदरक डाला है। अदरक को भी तेल में थोड़ा सा भूनने के बाद में मैंने 2 प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक कट किया हुआ है, और थोड़ा सा धनिया लिया है। अब हम इसे तेल में अच्छे ढंग से भूनेंगे। दोस्तों, प्याज हमारा अच्छे ढंग से भुने और जल्दी भुने, इसके लिए एक चीज़ डालती हूँ, वो है नमक। दोस्तों, जब भी आप प्याज को भूनें आप थोड़ा सा नमक डालिए। प्याज बहुत अच्छी भुन जाएगी, काली नहीं पड़ेगी, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। प्याज को आपको इस तरह से भूनने में कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि अगर प्याज हम बहुत जल्दी और बहुत तेज़ आंच में भूनेंगे तो ये जल जाएगी, अंदर से भुनेगी नहीं और ये अच्छा टेस्ट भी नहीं देगी। 5 मिनट हो गए, प्याज अच्छे ढंग से भून गया। मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है और 1 कटा हुआ टमाटर डाला है। मैंने टमाटर को रफली चॉप किया था, इसे भी मैंने प्याज के साथ में भून लिया, और थोड़ा सा मैं कलछी से इसे कट कर देती हूँ। देखिए, टमाटर बहुत अच्छे ढंग से सॉफ्ट हो चुका है। दोस्तों, इस तरीके से जब आप प्याज को भूनने के बाद टमाटर को डालते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। टमाटर के सॉफ्ट हो जाने के बाद में मैंने हींग डाली है 3 से 4 चुटकी, और मैंने थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया और डाला है। इन दोनों ही चीज़ों को डालने से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। बैगन के भरते में ये बहुत ही अच्छा स्वाद देती हैं। टमाटर को भी प्याज के साथ में फ्राई करने के बाद में हम बैगन को देख लेते हैं। बैगन पूरी तरीके से तैयार है। जब तक मसाला तैयार कर रही थी, बीच बीच में मैं बैगन को भी देख रही थी, और जिस तरफ से नहीं सिके थे उधर से मैं इन्हें पलटती जा रही थी और आग की तरफ करती जा रही थी। तो देखिए, बैगन का छिलका एकदम काला हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसका छिलका निकाल लेते हैं। दोस्तों, अभी बैगन गर्म है, अभी मैं इसका छिलका हटा रही हूँ, जिससे कि छिलका हटाने में काफ़ी आसानी होती है। फ्रेंड्स, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, बैगन को आप धीमी आंच में भूनें, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच में इन्हें भूनेंगी तो बैगन ऊपर से काला तो हो जाएगा लेकिन ये अंदर से पकेगा नहीं। चूँकि ये काफ़ी मोटा बैगन था, बड़ा बैगन था, इसलिए इसे पकने में भी काफ़ी टाइम लगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो छोटे और पतले बैगन भी ले सकती हैं। बैगन का छिलका मैंने पूरी तरीके से हटा दिया। लहसुन को भी देख लीजिए, कितने अच्छे ढंग से पक चुका है, एकदम गल गया है। अब हमें बैगन को मैश करना है। बैगन काफ़ी गर्म है इसलिए मैंने फोक का यूज़ किया है। आप भी इसी ढंग से केयरफुली कीजिएगा, नहीं तो हाथ जलने का डर है। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी अपने चैनल पर चोखा और बाटी की रेसिपी को शेयर किया है, जिसमें मैंने बैगन के चोखे को अलग ढंग से बनाया था। दोस्तों, अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मसाले में मैंने अभी थोड़ी सी हल्दी मिला दी है रंग आने के लिए, और मैंने जो बैगन मैश किए थे उन्हें मैं टमाटर के मसाले में मिला लेती हूँ। दोस्तों, बैगन का भरता कई तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग इसमें हरी मटर को भी डालते हैं। अगर आप प्रिफर करें तो आप उबला हुआ हरा मटर भी इसमें डाल सकती हैं, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। अभी मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, और इसके खट्टेपन के लिए मैंने आधा नींबू का रस डाला है।
फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगी कि आप भी नींबू का रस इस भरते में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि खट्टेपन के लिए आप वैसे खटाई भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आप नींबू का यूज़ करेंगी उसकी तो बात ही अलग है, स्वाद एकदम अलग होगा। बैंगन को प्याज के मसाले में अच्छे ढंग से भूनने के बाद में मैंने करीब आधा चम्मच गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया फिर से डाला है। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं इस भरते में। दोस्तों, आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच दही भी डाल सकती हैं, अगर आप नींबू ना डालना चाहें, खटाई का पाउडर ना डालना चाहें। फ्रेंड्स, भरते को मैंने 8 से 10 मिनट खूब अच्छे से भून लिया है। बैंगन का भरता बन करके तैयार है। चलिए अब मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये भरता अगर आपको पसंद आया हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं हमेशा ही नई नई रेसिपीज डालती रहती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आप इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं या इमली का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने आज खट्टेपन के लिए नींबू का यूज़ किया है। आपके पास ऑप्शन है, आप दही का भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन दही खट्टा होना चाहिए। अमचूर पाउडर का यूज़ कर सकती हैं और इमली भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे आप उसे पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लें, चाहे आप इमली का पानी यूज़ कर सकती हैं। ये सभी चीज़ें भरते का स्वाद बहुत ही अच्छा करेंगी। दोस्तों, जो भी मैंने इसमें मसाले डाले हैं उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। और भी रेसिपीज का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चलती हूँ, मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।